हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद आर डिस्कशन ऑन सर्विस कॉस्टिंग। और हम लोगों ने पहली तीन इलस्ट्रेशंस जो हैं वो कंप्लीट कर ली थी, और मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में हम लोग जो दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर इलस्ट्रेशन नंबर 4 के साथ। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, और ये इलस्ट्रेशन आप लोगों को ज़रूर करके जानी है एग्जाम से पहले, रिविजन के टाइम पर आप लोगों को ज़रूर ये देखनी है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। SMC is a public school having 5 buses each plying in the different directions for the transport of its school students. In the view of a large number of students availing of the bus service, the buses work 2 shifts daily, both in the morning and in the afternoon. वो कहता है morning में भी bus 2 shifts में काम करती है और afternoon में भी 2 shifts में काम करती है। ठीक है जी। The buses are garaged in the school. चलो यहां पर पहले तो 2 shifts हो गया। The workload of the students has been so arranged that in the morning the first trip picks up the senior students and the second trip plying an hour later picks up the junior students. वो कहते हैं किस तरह से करते हैं, वो पहले बस जाती है स्कूल से, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर आ जाती है, फिर दोबारा 1 घंटे के बाद जाती है, फिर जूनियर स्टूडेंट्स को लेकर आती है। ये सारा के सारा कब है? मॉर्निंग का। चलो मैं आपको लिख के बताता हूं। तो क्या कहता है, मॉर्निंग में क्या होता है हमारे पास? वो कहता है जी मॉर्निंग में बस पहले निकलती है से 8 AM पे निकलती है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि 8 AM पे ये स्कूल है आपका। ठीक है, यहां पे आपका क्या है, दिस इज योर स्कूल, और ये एरिया है जहां पे जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स हो गए, ये हमारे पास स्कूल हो गया। ठीक, चलो जी, तो ये हो गया हमारे पास सर स्टूडेंट्स का एरिया। एक सेकेंड, यहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, राइट। चलो सर, तो होता क्या है, जो बस है, बस सुबह 8 बजे स्कूल से निकलती है, सबसे पहले किसको पिक करती है? सीनियर स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो सीनियर स्टूडेंट्स को उसने पिक किया। ठीक है जी, सीनियर स्टूडेंट्स को पिक करके पहले इस डायरेक्शन में गई, उसके बाद सीनियर स्टूडेंट्स को पिक करके वो बस वापस आ जाती है स्कूल। ठीक है, आ गई सर। उसके बाद वो हम कहते हैं कि 10 AM कि चलो 9 बजे तक वो वापस आ गई, तो 10 बजे 1 घंटे के बाद फिर से बस निकलती है स्कूल से। ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स के घर जाती है, कौन से? जूनियर स्टूडेंट्स के घर पे जाती है। ठीक है, फिर वो बस वापस आ जाती है सर। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली In the afternoon, the first trip takes up the junior students and an hour later, the second trip takes up the senior students. वो कहता है अब afternoon में क्या होता है? सर seniors के ऊपर बड़ा अत्याचार है सर, सुबह जल्दी लेते हैं, दोपहर को लेट छोड़ते हैं। सर गलत बात है। अब afternoon में क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो वो स्कूल से चलती है और junior students को drop करती है। ठीक है, junior students को drop करती है और फिर वो वापस स्कूल में आ जाती है। एक राउंड हो गया। उसके बाद वो कहता है सेकंड राउंड में फिर से वो स्कूल से चलती है और इस बार वो सीनियर स्टूडेंट्स को ड्रॉप करके फिर वापस स्कूल में आके खड़ी हो जाती है। बस समझ में आ गया। चलो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच बस वन वे इज 8 किलोमीटर्स। वो कहता है ये जो डिस्टेंस है ये 8 किलोमीटर का एक साइड का डिस्टेंस है। 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर गई, फिर 8 किलोमीटर आई। ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 8 किलोमीटर्स का है। ठीक, तो एक दिन में मुझे बताओ ये कितनी बार ट्रेवल कर रही है, कितने ट्रिप्स हुए सर एक दिन में? ये ट्रिप्स कितने हुए सर? ये पहला ट्रिप, ठीक है, उसके बाद दूसरा ट्रिप, फिर तीसरा, चौथा। सिंगल ट्रिप्स की बात कर रहा हूं, राउंड ट्रिप की बात नहीं कर रहा। ठीक, 5 6 7 8, तो इसका मतलब है कि टोटल कितने हैं? 8 सिंगल ट्रिप्स और 4 राउंड ट्रिप्स कह सकते हैं हम ये चीज।
एट सिंगल ट्रिप्स और फोर राउंड ट्रिप्स, बताओ इतना पार्ट क्लियर है? जो क्वेश्चन पढ़ा है उससे इतना पार्ट क्लियर है? ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब द स्कूल वर्क्स फॉर 25 डेज इन अ मंथ एंड रिमेन्स क्लोज फॉर वेकेशन इन मई जून एंड दिसंबर। बस फी हाउएवर इज पेबल बाय द स्टूडेंट्स फॉर ऑल द 12 मंथ्स इन अ ईयर। वो कहता है 3 महीने स्कूल नहीं चलता, जब स्कूल नहीं चलता स्टूडेंट्स ने फी जरूर पे करनी है, लेकिन जो किलोमीटर है, जब बस नहीं चलेगी तो उतने किलोमीटर तो नहीं चलेगी ना, किलोमीटर तो वर्ड हो जाएंगे। ठीक, फिर हमें एक्सपेंसेस की डिटेल्स दे रखी है, ड्राइवर की सैलरी, क्लीनर की सैलरी, लाइसेंस फी, टैक्सेस, इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, परचेस प्राइस ऑफ द बस दे रखी है, लाइफ ऑफ बस, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बस, डीजल कॉस्ट ₹45 पर लीटर, डीजल की कॉस्ट क्या है 1 लीटर की ₹45, एंड ईच बस गिव्स एन एवरेज माइलेज ऑफ 4 किलोमीटर। इसका मतलब है कि 4 किलोमीटर में 1 लीटर, 4 किलोमीटर में 1 लीटर, सॉरी लिमिटेड लिख दिया, 1 लीटर जो है वो डीजल लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब है 4 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी है ₹45। ठीक है, क्लियर। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द ईच बस इज 50 स्टूडेंट्स, द सीटिंग कैपेसिटी इज फुली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द ईयर, स्टूडेंट्स पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन अ रेंज ऑफ 4 किलोमीटर्स। अब ये जो पैराग्राफ है ये इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये इस क्वेश्चन की जान है और यही इस क्वेश्चन की शान है और यही इस क्वेश्चन की सबसे ज्यादा क्वेरी है। चलो जी ध्यान से पढ़ना, स्टूडेंट्स पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन अ रेंज ऑफ 4 किलोमीटर्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल आर चार्ज्ड हाफ फेयर एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी, इग्नोर इंटरेस्ट सिंस द चार्जेस आर टू बी बेस्ड ऑन एन एवरेज कॉस्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शोइंग द एक्सपेंसिस ऑफ ऑपरेटिंग एंड वर्क आउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस बियॉन्ड 4 किलोमीटर। वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहता है सर स्टूडेंट्स की बेसिकली 2 कैटेगरीज हैं, स्टूडेंट्स की वो कहता है 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी वो है जो विद इन 4 किलोमीटर्स रहती है स्कूल के, ठीक है, एक कैटेगरी वो है जो 4 किलोमीटर के बियॉन्ड रहती है, बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स। ठीक है, वो कहता है कि ये जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक, वो कहता है एक ट्रिप में कितने स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट्स, क्योंकि एक बस की कैपेसिटी कितनी है 50 है। ठीक है, तो 25 ऐसे हो गए, 25 स्टूडेंट्स यहां पे हो गए। अब वो कहता है ये स्टूडेंट से हम लोग हाफ फेयर चार्ज करते हैं और ये स्टूडेंट से हम लोग फुल फेयर चार्ज करते हैं। ठीक है ना, तो मतलब कि अगर इनसे हम लोग ₹100 चार्ज करते हैं तो इनसे कितना करते हैं, इनसे हम लोग ₹50 चार्ज करेंगे। तो ये उस पैराग्राफ का मतलब है। ठीक है, वो कहता है कि हर ट्रिप में 50 स्टूडेंट्स हैं, एक ट्रिप में 50 स्टूडेंट है क्योंकि बस की जो कैपेसिटी है वो 50 स्टूडेंट्स की है, उसमें से 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो विद इन 4 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं और 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं। ठीक है जी, तो जो बियॉन्ड है उनसे हम लोग फुल फेयर लेंगे और जो विद इन 4 किलोमीटर हैं उनसे हम लोग हाफ फेयर चार्ज करेंगे। ठीक, तो ये सर इसका मतलब था। चलो जी, अब ये तो बाद में आएगा सर कॉस्ट वाली चीज, सबसे पहले तो वर्किंग नोट पे आएंगे, कैलकुलेशन ऑफ डीजल कॉस्ट। अब डीजल कॉस्ट अगर कैलकुलेट करनी है तो सर उसके लिए चाहिए कि कितने किलोमीटर चली बस। ठीक है, वो कहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है एक साल में, 8 सिंगल ट्रिप्स, यहां पे गलती है सर, 8 सिंगल ट्रिप्स वो कैसे हुए मैंने यहां पे आप लोगों को काउंट करके दिखा दिए। ठीक है, तो 8 सिंगल ट्रिप्स इंटू 8 किलोमीटर इंटू 25 डेज, एक महीने में 25 दिन चलती है, इंटू 9 मंथ्स। सर 9 मंथ्स क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि पूरे साल में से 3 महीने जो है वो छुट्टियां रहती हैं, तो छुट्टियों के टाइम पे तो बस चलेगी नहीं, तो उस टाइम पे तो कोई ट्रेवल होगा नहीं, उस टाइम पे कोई डीजल की कंजम्पशन होगी नहीं, होगी या नहीं होगी, नहीं होगी सर। ठीक,
तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर एनम इज 14,400 किलोमीटर, तो कॉस्ट ऑफ डीजल जो 45 रुपीज थी वो कितने किलोमीटर की थी, सॉरी 4 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 45 थी। तो अगर 14,400 किलोमीटर चलती है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, इनटू 14,400, ठीक है, 1,62,000, ये तो होगी सर इसकी हमारी डीजल की कॉस्ट, राइट। राइट, चलो सर उसके बाद अब क्या है, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता जी मुझे ये बताओ एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो 4 किलोमीटर वाले हैं और जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर वाले हैं। अब उसने दो चीजों की कॉस्ट पूछी है, ठीक है, जबकि जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमें वो कॉमन दे रखे हैं। जो कॉस्ट है, अब इसमें कॉस्ट तो बाइफरकेट करके नहीं दी गई ना कि 4 किलोमीटर वालों को कितनी कॉस्ट पड़ती है और 4 किलोमीटर से बियॉन्ड है उनको कितनी कॉस्ट पड़ती है, क्या ऐसा कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा सर, ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को एक कॉमन फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या, जो फुल फेयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम लोग हाफ फेयर में कन्वर्ट करेंगे, एक सिंगल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स बनाएंगे, सो दैट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय दैट सिंगल कैटेगरी गिव्स अस द कॉस्ट ऑफ वन कैटेगरी। उसके बाद दूसरी कैटेगरी की कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया सर, वर्किंग नोट बनाया गया नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर बस। सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, 50, हाफ फेयर स्टूडेंट्स कितने हैं, 25, और फुल फेयर स्टूडेंट्स कितने हैं, 25। अब इसके आगे की कहानी, ये जो कहानी है बस सर यही सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं, मुसीबत है इसकी, ठीक है ना, सबसे बड़ी मुसीबत यही है बस। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो कि क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना, जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं दो तरह के हैं, ठीक है, एक हो गए मेरे पास हाफ फेयर और एक मेरे पास हो गए फुल फेयर। अब ये जो हाफ फेयर वाला स्टूडेंट है ये मुझे कितना पे करता है, 50 रुपए। ये जो फुल फेयर वाला कितना पे करता है, 100 रुपए। सर ये क्वेश्चन में कहां दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा, एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, तो घबराना नहीं है कि सर क्वेश्चन में कहीं दे तो रखा नहीं है, ये कहीं नहीं दिया हुआ, जस्ट एन एजम्पशन कि अगर एक फुल फेयर स्टूडेंट से हम लोग 100 रुपीज चार्ज करते हैं तो हाफ फेयर वाले से 50 रुपीज चार्ज करेंगे। अब मुझे एक सिंपल सी बात का आंसर देना कि सर अगर ये 100 रुपए, अगर ये 100 रुपए मुझे इस हाफ फेयर स्टूडेंट से, चलो मैं इसको थोड़ा सा और आपको इलेबोरेट करता हूं ताकि समझ में आए, वन हाफ फेयर स्टूडेंट इज इक्वल टू ₹50, समझ में आया। अगर मैं 2 हाफ फेयर स्टूडेंट्स ले लूं, अच्छा यहां पे 25 ये थे, 25 ये थे, ठीक है, ये तो याद है ना, अगर मैं 2 हाफ फेयर स्टूडेंट्स ले लूं तो मैं कितने रुपए कमाऊंगा, 100 रुपए कमाऊंगा। इसे मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 1 फुल फेयर स्टूडेंट, 1 फुल फेयर स्टूडेंट से मैं कितना कमा रहा हूं, 100 रुपए कमा रहा हूं, इसे मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब ये बताओ कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन निकल कर आएगी सर, मेरे पास इक्वेशन निकल कर आएगी 1 फुल फेयर स्टूडेंट इज इक्वल टू 2 हाफ फेयर स्टूडेंट्स। बताओ कोई कुछ गलत कह रहा हूं, सिंपल सी बात समझो सर, अगर ये 100 रुपए जो मैं एक फुल फेयर से कमा रहा हूं अगर यही मुझे हाफ फेयर वाले स्टूडेंट से कमाने हो तो मुझे 2 स्टूडेंट्स लगेंगे, होगा या नहीं, तभी 100 रुपए कमाऊंगा ना, अगर 2 स्टूडेंट्स होंगे तभी तो मैं 100 रुपए कमाऊंगा, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास 25 फुल फेयर स्टूडेंट्स हैं, 25 फुल फेयर स्टूडेंट्स हैं, तो वो कितने हाफ फेयर के बराबर होंगे,
ट्वाइस, दैट इज 50 हाफ फेयर स्टूडेंट्स। किसी को यहां तक कोई डाउट है अगर तो बताओ। ठीक है जी, क्लियर है। लो सर, अब क्या किया इन्होंने, फुल फेयर स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स इंटू टू 50 स्टूडेंट्स। हमने क्या किया सर, 25 फुल फेयर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 2, 50 हाफ फेयर स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि फुल फेयर स्टूडेंट्स को मैंने हाफ फेयर स्टूडेंट्स की टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट कर लिया, सो दैट आई हैव अ सिंगल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा 25 स्टूडेंट तो हाफ फेयर वाले थे ना, तो टोटल इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ट्रिप ये कौन से हैं, हाफ फेयर वाले हैं सारे के सारे। ठीक है, तो टोटल अगर देखें तो मेरे पास 75 स्टूडेंट्स जो हैं हाफ फेयर वाले हैं। ठीक है, अब क्योंकि एक टाइम में दो ट्रिप्स लगते हैं सीनियर प्लस जूनियर के, तो इसलिए टोटल 150 स्टूडेंट्स हो गए। यहां तक ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो वर्किंग नोट है इसकी, ये इसकी जान है। ये समझ में आ गया, अगर ये पार्ट समझ में आ गया तो समझ लो क्वेश्चन समझ में आ गया सर। उसके बाद तो कुछ नहीं है सर, कॉस्ट लेनी है, रेट दे रखा है पर मंथ का, पर बस का ले लिया, पर एनम, पर बस पर एनम, फिर पांच बसेस का 5 से मल्टीप्लाई करके ले लिया, क्लीनर की सैलरी ले ली, लाइसेंस ले लिया, सब कुछ ले लिया सर, एक बस का ले लिया और 5 बस का भी ले लिया, मेंटेनेंस भी ले लिए, ऑपरेटिंग के खर्चे भी ले लिए, टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट पर मंथ आ गई मेरे पास, और टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स आ गए 150 फॉर वन बस मल्टीप्लाइड बाय 5, 750 फॉर 5 बसेस। तो टोटल कॉस्ट पर हाफ फेयर इक्विवेलेंट स्टूडेंट, ये किसकी है सर, हाफ फेयर की कॉस्ट आई है, कि एक हाफ फेयर स्टूडेंट को कैरी करने की जो कॉस्ट पड़ती है वो 210 रुपए पड़ती है। कैसे सर, 31,500 डिवाइडेड बाय 150 स्टूडेंट्स, तो 210 रुपए एक हाफ फेयर स्टूडेंट को, वन हाफ फेयर स्टूडेंट, राइट, दिस इज द कॉस्ट फॉर कैरिंग वन हाफ फेयर स्टूडेंट सर। अब अगर फुल फेयर स्टूडेंट की कॉस्ट निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे सर, सिंपल, डबल है, दिस इज वन फुल फेयर स्टूडेंट। समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चन में यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसी पॉइंट पर स्टूडेंट कभी भी समझ नहीं पाता कि सर किया क्या है, और जिस तरह से इंस्टीट्यूट ने दिया है सर कभी भी नहीं समझ पाओगे, जब तक कोई आपको समझा ना दे कि ये चीज की क्यों है और की किस तरह से है, राइट। तो इसके साथ ये वाली चीज जो है अपनी नोटबुक्स में जरूर बना लो, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, जब रिवाइज करोगे तब भी आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, राइट। ठीक है जी, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने डेफिनेटली रिवाइज करके ही जाना है, ये क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाना हम लोगों ने, इलस्ट्रेशन नंबर 5, क्लियर है। चलो सर, मूविंग ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 5 तो अभी सर करने लगे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ। ग्लोबल ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जेस ₹90 पर टन फॉर इट्स 6 टन ट्रक लॉरी लोड फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, द चार्जेस फॉर द रिटर्न जर्नी आर 84 पर टन, नो कंसेशन और रिडक्शन इन दीज रेट इज मेड फॉर एनी डिलीवरी ऑफ गुड्स एट द इंटरमीडिएट स्टेशन सी। वो कहते हैं दो स्टेशन है सर, सिंपल सी बात समझो क्या है सर, एक तो है स्टेशन ए और एक है स्टेशन बी, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक लॉरी चलती है, बिल्कुल ठीक है सर, और एक स्टेशन बीच में है स्टेशन सी, क्लियर। इन जनवरी 2018 द ट्रक मेड 12 आउटवर्ड जर्नीज फॉर सिटी बी विद फुल लोड, आउट ऑफ विच 2 tons were unloaded twice on the way at city C. वो कहता 12 बार ऐसा हुआ कि ट्रक A पॉइंट से लेकर A पॉइंट से चला B पॉइंट पर जाने के लिए, लेकिन 2 बार वो बीच में C पॉइंट पर रुक गया। ठीक है, ये कितनी बार हुआ, 12 बार हुआ
कि वो ए से बी के लिए निकला विद फुल लोड। फुल लोड कितना है? 6 टन। लेकिन इसमें से दो बार क्या हुआ, उसने 2 टन जो है वो इस पॉइंट पे अनलोड कर दिया और आगे कितना लेके गया? 4 टन लेके गया सर। ठीक है, चलो। द ट्रक कैरिड अ लोड ऑफ 8 टन इन इट्स रिटर्न जर्नी फॉर 5 टाइम्स। कहता 5 बार वापसी पे क्या हुआ सर, ओवरलोड करके ले आया। 5 बार ऐसा हुआ कि वो 8 टन माल कैरी लेके आया। बट वॉज वंस कॉट बाय द पुलिस एंड ₹1200 वॉज पेड एज फाइन। सर पकड़ा ही जाना था, ऑब्वियस है, इतना ओवरलोड करेगा सर, बताओ गलत बात है ना। तो ओवरलोड करके आया तो पकड़ा गया सर, पकड़ा गया तो पुलिस ने फाइन लगा दिया ₹1200 का। फॉर द रिमेनिंग ट्रिप्स द ट्रक कैरिड फुल लोड आउट ऑफ विच ऑल द गुड्स वर ऑन लोड वर अनलोडेड वंस एट सिटी सी। वो कहता है बी से चला फुल लोड लेकर, ठीक है, 5 बारी तो ऐसा हुआ कि 8 टन लेके चला, बाकी के टाइम बाकी जितनी भी बार था वो कहता है उसमें से वो फुल लोड लेकर चला बी पॉइंट से ए पॉइंट के लिए, बी से ए के लिए। लेकिन एक बार उसने क्या किया, रास्ते में सी पॉइंट पे ही सारा के सारा माल उतार लिया, ए तक तो गया ही नहीं। ठीक, बट इट रिटर्न्ड विदाउट एनी लोड ओनली वंस ओनली फ्रॉम सी टू ए। तो विदाउट एनी लोड आया सर, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी एंड सिटी बी आर 140 एंड 300 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है सर, कौन सा डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 140 किलोमीटर, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है पूरा के पूरा ये 300 किलोमीटर है ए टू बी का। The annual fixed cost and the maintenance charges are 60,000 and 12,000. Running charges spent during the year are 2,944. You are required to find out the cost per absolute ton kilometer and the profit for January 2018. अब इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैलकुलेट करने। वो एब्सोल्यूट टन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सर कितने किलोमीटर ट्रेवल किया विद कितना लोड, ठीक है। ये जो वर्किंग नोट है ना इसका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये वर्किंग नोट को समझने के लिए मैं एक बहुत, अब काफी कुछ हम लोग लिखने वाले हैं तो अपनी नोटबुक्स तैयार रखो, ठीक है। ये इतना सॉरी इतना जो डायग्राम है वो समझ में आ गया, ये बना लिया आप लोगों ने, क्योंकि इसके बाद मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे काफी कुछ लिखने वाला हूं, ठीक है। चलो जी, अब सबसे पहले तो मैं जो बात करूंगा वो मैं करूंगा आउटवर्ड जर्नी की बात, आउटवर्ड जर्नी की बात करूंगा मैं, ठीक है। अब मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूं आपको, ये आप लोगों ने लिखने हैं। पहला स्टेप वो कहता है ए टू बी विद फुल लोड, ए टू बी विद फुल लोड ऑफ 6 टन। कहता कितनी बार ऐसा हुआ कि वो ए से बी पूरा के पूरा लोड लेके गया, बताओ सर। चला तो वो 12 बार था लेकिन फुल लोड लेके, लेकिन उसमें से दो बार उसने 2-2 टन सी पे अनलोड कर दिया था। तो इसका मतलब है कि वो फुल लोड लेकर बी तक कितनी बार गया सर, 10 बार गया। कितनी बार गया सर, 10 बार गया। कितनी बार गया सर, 10 बार गया, 10 जर्नी, ठीक है। कितने किलोमीटर की, 300 किलोमीटर की, और कितने टन लेकर, 6 टन, ठीक है। तो ये मेरे पास आया सर 18,000 किलोमीटर। लो सर 18,000 किलोमीटर, क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट लिखो, ए टू सी विद फुल लोड ऑफ 6 टन्स, ठीक है जी, वेयर 2 टन्स वर अनलोडेड। ये सारी चीजें लिख लो क्योंकि इसके बिना समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन। अब बताओ सर, वो कहता है कि ए टू सी उसने ट्रेवल किया, देखो ए टू सी उसने ट्रेवल किया
ठीक है, कितनी बार कि सी पे जाके रुका, ए टू सी का मतलब क्या है कि सी पे जाकर रुका। सर 12 में से 2 बार ऐसा हुआ कि वो सी पे रुका क्योंकि उसने जो 2 टन थे वो अनलोड करने थे वहां पे, ठीक है। गया तो वो फुल लोड के साथ ही था ना, ट्रेवल 6 टन लेकर यहां से चला, ठीक है, 6 टन लेके यहां से चला और यहां पे जाके वो रुक गया। तो उसने 140 किलोमीटर ट्रेवल किया कितने टन के साथ, 6 टन के साथ ट्रेवल किया। कितनी बार सर? 2 बार। सर 12 बार क्यों नहीं? क्योंकि बाकी के 10 बार तो वो सी पे रुका ही नहीं, वो तो सीधा ए से छलांग मारी बी पर, सी पर रुका नहीं। रुका सर सी पर कब रुका? 2 बार रुका, ठीक है। तो ए टू सी की जो जर्नी है वो कितनी रहेगी आपकी? 2 जर्नी इंटू 140 किलोमीटर इंटू 6 टन, क्योंकि 140 किलोमीटर वो 6 टन लेकर चला था, ठीक है जी। तो ये मेरे पास कितना आएगा सर? ये मेरे पास आएगा 140 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, 1680 किलोमीटर। लो सर, कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? चले आगे। चलो जी, थर्ड पॉइंट। उसके बाद आया सी टू बी विद रिड्यूस्ड लोड, विद रिड्यूस्ड लोड। अब सर क्या हुआ? 2 बार वो सी से बी जो है वो ट्रेवल किया, सी से बी ट्रेवल कितना डिस्टेंस है? 160 किलोमीटर, ठीक है। 2 बार ट्रेवल किया कितने लोड के साथ? सर 4 टन के साथ, क्योंकि 2 टन तो हम लोग यहां पे उतार चुके हैं। पहले ए से सी गया 6 टन के साथ 140 किलोमीटर, वहां पे 2 टन अनलोड कर दिया तो बचा कितना? 4 टन। 4 टन के साथ वो सी से बी उसने ट्रेवल किया, 160 किलोमीटर उसने ट्रेवल किए। कोई डाउट? कितना ट्रेवल किया उसने? 160 किलोमीटर ट्रेवल किया उसने, ठीक है सर। तो कितनी बार किया? 2 बार किया, क्योंकि 2 ही बार वो सी पे रुका था तो 2 ही बार आएगा सर। मल्टीप्लाइड बाय 160 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 टन, तो ये कितना हुआ सर? 160 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1280 किलोमीटर। लो सर, टोटल कितना हो गया? 20,960। कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट है? ठीक है जी, क्लियर है? चलो सर, अब मुझे एक चीज बताओ कि इसकी सर टोटल जर्नी कितनी थी? इसकी टोटल जर्नीज कितनी थी? मतलब सर ए से बी वो कितनी बार गया टोटल, चाहे वो सी पे रुक के गया चाहे नहीं रुक के गया, टोटल वो बी पे कितनी बार गया? सर 12 बार गया। कोई डाउट? टोटल बी के लिए वो कितनी बार निकला था? 12 बार निकला था ना, चाहे वो सी पे रुका चाहे नहीं रुका, अल्टीमेटली बी पे तो पहुंचा ना। कितनी बार? 12 बार। तो सर अगर 12 बार वो ए से बी ट्रेवल की है तो 12 बार वो बी से ए भी तो ट्रेवल करेगा, 12 बार वो बी से ए के लिए भी तो आएगा, वापस तो आएगा सर घर या वहीं पे रह जाएगा? अगर 12 बार वो ए से बी गया है, चाहे वो सी पे रुका इन बिटवीन चाहे नहीं रुका, दैट इज अ सेपरेट इशू। ए से बी गया तो ना 12 बार, अगर 12 बार वो गया है तो 12 बार वो वापस भी तो आएगा, तो वापस वाली जर्नी का भी तो अकाउंट फॉर करेंगे हम लोग। तो वापसी पे क्या किया उसने सर? बहुत बढ़िया सर। चलो जी, अब आ जाते हैं हम लोग रिटर्न जर्नी की कहानी पे। अब आ जाओ सर रिटर्न जर्नी की कहानी पे, ठीक है। चलो जी, पहली बार अब क्या हुआ? फ्रॉम बी टू ए, बी से लेकर ए तक की कहानी क्या रही? सर बी से लेकर ए तक की कहानी ये रही कि 5 टाइम्स रिटर्न जर्नी कितनी है टोटल? 12, ठीक है। वो कहता है 5 बार, 5 टाइम्स कैरिड 8 टन्स। कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, बी से लेके ए तक की बात कर रहा हूं मैं।
पांच बार ऐसा हुआ कि उसने 8 टन लोड कैरियड किया। सर ये क्वेश्चन में गिवन है हम लोगों को। देखो फॉर द रिमेनिंग ट्रिप्स, यहां से स्टार्ट करना पड़ना, ठीक है। फॉर विच गुड्स वर लोडेड फॉर, अच्छा यहां से द ट्रक कैरिड अ लोड ऑफ ऑन द रिटर्न जर्नी, यहां से ठीक, कि रिटर्न जर्नी पे 8 टन के साथ वो 5 बार आया, ठीक है सर। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि उसने सारे के सारे गुड्स जो थे वो कहां पर अनलोड कर दिए, सी पर अनलोड कर दिए, अनलोडेड ऑल गुड्स एट सी एंड नथिंग रीच्ड स्टेशन ए, ठीक है, हो गया, समझ में आया। तो ये कितनी होगी सर, 6 होगी। अब 12 में से 6 होगी, क्या कितनी बची, 6 बची ना। वो कहता है रिमेनिंग टाइम्स 6 times कैरिड फुल लोड, कैरिड 6 tons, दैट इज फुल लोड, समझ में आया। अब क्या हो गया सर, इसका टोटल लगाओ, 12 हो गया, 5 + 1 + 6 12 हो गया ना। लेकिन इसमें से सर हम ये वाली जो जर्नी है हमारी, ये वाली जर्नी तो हमारी काउंट ही नहीं होगी सर। इसमें काउंट क्यों नहीं होगी, इसमें काउंट क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर स्टेशन ए पे तो कुछ पहुंचा ही नहीं। क्या स्टेशन ए पे कुछ पहुंचा, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। क्या स्टेशन ए पे कुछ भी पहुंचा, नहीं पहुंचा सर, ठीक है। तो ये कितनी हुई, ये बेसिकली हमारी 11 जर्नीज हुई, 5 + 6 जिसमें एक्चुअल में हम लोगों ने लोड कैरी किया, ठीक है। लेकिन सर वो B2C तो लोड कैरी करके, बाद में आते हैं ना उसके ऊपर, अभी क्या बात कर रहा हूं मैं, B2A की, सिर्फ और सिर्फ वो गुड्स की बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में A जो स्टेशन A था उस पर पहुंचे, ठीक है, ठीक है सर। चलो अब ये, इसको अगर हम लोग न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखें, कितनी बार, 5 जर्नी, ठीक है, इनटू कितना डिस्टेंस, कितना कैरी किया, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर इनटू कितने लोड के साथ, 8 टन के साथ, प्लस ये वाली में सर कुछ नहीं, इसमें टन ही जीरो थे, ठीक है। अगली क्या आई, 6 जर्नी मल्टीप्लाइड बाय 300 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 टन्स, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आएगा सर, मल्टीप्लाइड बाय 8, तो ये आया 12,000 किलोमीटर, और दूसरा मेरे पास आएगा सर मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये आएगा 10,800 किलोमीटर्स, राइट। तो ये टोटल कितना हुआ, 32,800 किलोमीटर। क्या सर यही दे रखा है, देखते हैं सर, 22,800 दे रखा है सर, ओ सॉरी, यस 22,000 ही तो हुआ सर, राइट। लो सर क्लियर है। अब क्या हुआ सर, अभी तो बात की मैंने कि बी से ए, ए पे कितने गुड्स पहुंचे, 5 बार 8 टन पहुंचा और 6 बार 6 टन पहुंचा। सर वो एक बार कहां गया, हमें तो 12 आउटवर्ड जर्नीज हुई थी, तो 12 इनवर्ड जर्नीज का हिसाब चाहिए। तो अब एक जर्नी होगी मेरी फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी की जो जर्नी होगी, 1 time कैरिड 6 tons एंड अनलोडेड। सर 6 टन लेकर बी से निकला लेकिन ए पे नहीं पहुंचा, कहां पे पहुंचा, सी पे पहुंच के अनलोड कर दिया, एंड अनलोडेड ऑल गुड्स एट सी, ठीक है। तो इसका कितना सर, कितनी जर्नी है, 1 जर्नी, डिस्टेंस कितना है बी से सी का, 160 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 160 किलोमीटर, कितना लोड कैरी किया, 6 लोड कैरी किया, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आया 960 किलोमीटर। क्या सर यही दे रखा है, 960 किलोमीटर टोटल 23,000, और टोटल एब्सोल्यूट किलोमीटर्स कितने आए, 44,720
अब यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि जर्नीज किस तरह से निकलेंगी। और माइंड यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन मैंने पहले कहा था, तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों ने छोड़कर नहीं जाना, किसी भी कीमत पर छोड़ के नहीं जाना। सर, छोड़ के जाओगे तो बेवकूफ़ी करोगे तुम, ठीक है? तो किसी भी हाल में हम लोगों को ये गलती नहीं करनी। ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं जा रहे, जो मैंने मार्क करवा रहा हूं ना, वो क्वेश्चन जरूर करके जाने हैं, ठीक? क्लियर है सर? उसके बाद तो सर इजी है। उसके बाद क्या, स्टैंडिंग चार्जेस लेने हैं। फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 60,000 की, पर मंथ ले ली 50,000 की, मेंटेनेंस चार्जेस हो गए, रनिंग कॉस्ट हो गई, टोटल मंथली कॉस्ट आ गई, डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट किलोमीटर तो 0.20 आ गई। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कितना, ट्रक हायर चार्जेस रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ, आउटवर्ड जर्नी पे 12 ट्रिप्स किए 6 टन के साथ 90 रुपीज मिलेंगे तो 6480, रिटर्न जर्नी पे 5 ट्रिप्स इंटू 8 टन 84 रुपीज, 7 ट्रिप्स इंटू 6 टन एंड 84 रुपीज, ठीक? तो 6,888 टोटल इतना आया, लेस मंथली रनिंग कॉस्ट कितनी है, और जो फाइन पे किया, नेट प्रॉफिट जो कमाया हम लोगों ने, दैट इज 3224, ठीक है? अब ये सर 90 रुपीज और ये सब देखो दे रखा है, चार्जेस 90 पर टन फॉर इट्स 6 टन लॉरी, ठीक है? रिटर्न पे 84 रुपीज चार्ज करते हैं, तो दिस इज गिवन फॉर द प्रॉफिट कैलकुलेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका ये वर्किंग नोट जो है उसका इंपॉर्टेंट है। और देखो मैंने इस छोटे से वर्किंग नोट को मैंने इसको कितना इलैबोरेट करके आप लोगों को समझाया है, आउटवर्ड जर्नी किस तरह से बनी, रिटर्न जर्नी किस तरह से बनी है, ठीक? और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, समझ में आ गया? चलो सर, इसके साथ हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग की जो इलस्ट्रेशंस वाला पार्ट है वो हो गया खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब स्टार्ट करेंगे होटल कॉस्टिंग का, जो भी क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास एक दो, तो होटल कॉस्टिंग के जितने क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट? सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन सेंड मी एन ईमेल @ksgteaching@gmail.com। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।